इस किले की बनावट कुछ ऐसा है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी इस किले के अंदर घुस नहीं सका। यही वजह है कि 350 वर्ष पुराने इस किले को अजिंक्य किले के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अजय। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई राजा महाराजाओं ने राज किया है और अपने राज्य का सुरक्षा के लिए किले भी बनवाए हैं। यहां ऐसे ही कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला है जंजीरा किला। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोकण में रायगढ़ जिले के मरुद गांव के निकट स्थित है, जिसे मरुद जंजीरा किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। दरअसल जंजीरा शब्द अरबी है जजीरा का, जिसका अर्थ होता है टापू। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला चारों ओर से पानी में घिरा हुआ है। पानी से घिरा होने के कारण इस किले को आयरलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी बनावट के लिए मशहूर है और हर साल इसे देखने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जिसे ब्रिटिश पुर्तगाली शिवाजी महाराज और सांभा महाराज ने इस किले को जीतने की काफी प्रयास किया था, लेकिन कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। इस किले की बनावट कुछ ऐसा है कि इस पर कब्जा के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कई बार कोई भी इस किले का अंदर घुस नहीं सका। यही वजह है कि 350 वर्ष पुराने इस किले को अजय किला के नाम से भी जाना जाता है। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरे यह किला अरब सागर में एक टापू पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय स्थानीय मछुआरों ने समुद्री लुटेरे से बचने के लिए एक विशाल चट्टान पर मेदकोट नाम का एक लकड़ी का किला बनाया था। इस किले का निर्माण करने के लिए मछुआरा के सरदार राम पाटिल ने अहमदनगर के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी, लेकिन लकड़ी के किले का निर्माण पूरा होने के बाद अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह ने मछुआरों के सरदार राम पाटिल को यह किला खाली करने को कहा, लेकिन राम पाटिल ने यह किला खाली करने से मना कर दिया, जिसके बाद अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर अपने सैनिकों के साथ 3 जहाज लेकर पहुंच गए और उस किले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अहमदनगर सुल्तान का नया सेनापति बुरम खान ने उस लकड़ी के बने मेघेकोट किले को तुड़वा कर वहाँ पर पत्थरों से एक खास वजह से निर्माण किया गया था। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण 22 वर्ष में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने इसे जीतने का काफी प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जंजीरा किले में सिद्दकी शासकों की कई तोपें अभी भी मौजूद है, जो हर सुरक्षा चौकी पर रखी हुई है। जंजीरा किले के चारों ओर कुल 19 बुर्ज है। प्रत्येक बुर्ज के बीच 90 फुट से अधिक का अंतर है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने किले के चारों ओर 500 तोपे रखे जाने के जिक्र किया है। इस तोपों में कलाल बागड़ी, लाड कासम और चावरी तोप आज भी देखने को मिलती है। इसी किले के बीचों बीच एक बड़ा सा परकोटा है और पानी के 2 बड़े तालाब भी है। माना जाता है कि इस किले में एक नगर भी था। जंजीरा किले के अंदर 2 पानी के छोटे छोटे तालाब भी बने हुए हैं, जिनमें से एक झील मीठे पानी की भी है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बाद भी इस झील में मीठा पानी कहां से आता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यह शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में बना हुआ है। जंजीरा किला सिद्दीकियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। जंजीरा किले की दीवार बहुत ही मजबूत है, जिसमें कुल 3 दरवाजे और 2 मुख्य दरवाजे और एक चोर दरवाजा। मुख्य दरवाजों में एक पूर्व की ओर राजापुरी गांव की तरफ खुलता है, तो दूसरी ठीक विपरीत समुद्र की दिशा में खुलता है। आपको बता दें कि जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से थोड़ी दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी वजह से दुश्मन किले के पास आने के बावजूद भी किले में घुस नहीं पाते थे। इस किले पर जंजीरा के 20 सिद्दकी शासकों ने राज किया और अंतिम शासक सिद्दकी मोहम्मद खान था। सिद्दकियों का शासन खत्म होने के बाद ही यहाँ की वरिष्ठियाँ पलायन कर गई और 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला आजाद भारत में शामिल कर लिया गया। जंजीरा किले तक जाने के लिए आपको महाराष्ट्र से रायगढ़ जाना होगा और वहां से ऑटो रिक्शा पकड़कर मुरूड़ से
राजपुरी जाना होगा। यहाँ से आप नाव द्वारा जंजीरा किले तक पहुँच सकते हैं। नाव का किराया तकरीबन 20 से 30 रुपया है। यह किला सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 से 7 के बीच खुला रहता है और यह किला शुक्रवार को दोपहर के 2 बजे से बंद रहता है। जंजीरा किले का यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीने तक का माना जाता है। जंजीरा किला मरूर सड़क मार्ग के मध्य से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई से नियमित बसें चलती है। यदि आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और अगर आप टैक्सी के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो टैक्सी सेवाएं सबसे अच्छी है। और अगर आपके पास अपना खुद का वाहन है तो यह बहुत सुविधाजनक और अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अगर आप जंजीरा किले की यात्रा ट्रेन के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको रोहा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, क्योंकि यहां जंजीरा किले का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। कोंकण लाइन पर रोहा रेलवे स्टेशन निकटतम है, जो मुंबई से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। मरूद जंजीरा मुंबई के माध्यम से सभी प्रमुख माध्यम से रोहा से मरूद जंजीरा किले तक टैक्सी सेवा से लगभग 1 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, जंजीरा किले में घूमने के लिए प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन यह किला पानी में होने की वजह से पर्यटकों को नाव की सवारी के लिए टिकट खरीदने और पार्किंग के लिए निर्धारित शुल्क अदा करना होता है।